तो फेल गेम फैमिली WWE 2K24 का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आज क्राउन होने जा रहा है और वो चैंपियन इन्हीं 8 सुपरस्टार्स में से एक होगा। तो ये जो 8 सुपरस्टार्स आपको दिख रहे हैं, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, गुंथर और द अल्टीमेट अंडरडॉग रे मिस्टीरियो, इन 8ों का आज एक सर्वाइवल एलिमिनेशन मैच होने जा रहा है। यानी 2 सुपरस्टार्स इस मैच को स्टार्ट करेंगे और हर एक मिनट के बाद एक एक नया नया सुपरस्टार आते जाएगा। तो क्योंकि सैमी ज़ेन रियल लाइफ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, इसलिए इनको भी मैंने ऐड दिया मैच में। लेकिन याद रखना, आज जो भी इनमें से चैंपियन बना वो सुपरस्टार फेल गेम का फर्स्ट आईसी इनॉग्रल चैंपियन होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन जीतता है। और फेल आर्मी, जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अपना काम जानते हो, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 5,00,000 सब्स तक अपने को जल्द से जल्द पहुंचना है। और इससे पहले आप लोग तुरंत कमेंट कर दो कि रोमन रेंस कहां है भाई। तुम्हें बताना चाहूंगा कि कल ही मैंने रूल ऐड कर दिया है कि जिसके पास भी एक चैंपियनशिप है वो दूसरे टाइटल मैच में नहीं जा सकता है। और रोमन के पास तो एक नहीं बल्कि 2-2 टाइटल है। यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल है, बिग डॉग के पास और ट्राइबल चीफ के पास गोल्ड अनडिस्प्यूटेड टाइटल है। स्टार्टिंग में गुंथर पेडिग्री खा गया भाई, लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन है। ऐसे करेगा गुंथर फर्स्ट एलिमिनेशन कहीं नहीं हो जाए, क्योंकि नॉकआउट भी ऑन है। तो ज्यादा मार अगर खाएगा, इसी को बोलते हैं ज्यादा मार खाना, नॉकआउट भी हो गया भाई 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 भाई, भाई, भाई गुंथर बहुत, पता नहीं 2K23 में गुंथर बहुत अच्छा था, 2K24 में इसके नाम से NTHER हट गया है, जो बचा वही रह गया है गुंथर। 2 अलग अलग चैंपियनशिप के मैच दिए मैंने गुंथर को, दोनों बार बहुत खराब परफॉर्म किया है। उम्मीद नहीं थी इतनी खराब परफॉर्म करने की। ये 1 मिनट से पहले एलिमिनेट हो गया, चलो नॉकआउट ही हुआ, लेकिन फिर भी बैक टू बैक 2 फिनिशर, ये सब जॉन सीना करते थे 2K23 में, ठीक था। अब गुंथर भी ऐसा हो गया है। ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स, DX की याद आ रही है, कोई नहीं अभी याद चली जाएगी, क्योंकि इस मैच में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है। और जिस तरह से ट्रिपल एच खेल रहे हैं, लग रहा है कि आज आईसी टाइटल लेके जाएंगे। तो शॉन माइकल्स के पास एक एडवांटेज है जो कि फिलहाल ट्रिपल एच के पास नहीं है, भले ट्रिपल एच की हेल्थ फुल है, लेकिन इनके पास फिनिशर नहीं है। तो शॉन माइकल फटाफट 2 स्विच इन म्यूजिक लगाओ, पता नहीं ट्रिपल एच नॉकआउट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ रेजिलेंस तो एटलीस्ट जा सकती है। शॉन माइकल्स वेट मत करना, मैं बोल रहा हूँ वेट मत करो, ट्रिपल एच के इरादे सही नहीं लग रहे आज। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल की वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो उसमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक बार जब सारे चैंपियंस क्राउन हो गए तो ऐसे अभी जो रैंडम मैचेस मिल रहे ना वैसा नहीं होगा। एक ड्राफ्ट करूंगा मैं और आप लोगों को दिखा दूंगा वीडियो में कि कौन से सुपरस्टार्स रॉ में और कौन से सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में। और सिर्फ रॉ के सुपरस्टार्स को मिलेगा भाई इंटरकॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, और जो स्मैकडाउन के रोस्टर्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड गोल्ड टाइटल का मैच और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच। तो इस तरह से सबको मौका मिल पाएगा चैंपियनशिप जीतने का, जिनको मौका नहीं मिलता है। वैसे मौका का नाम सुनते ही चौका मारने के लिए रैंडी ऑर्टन आ गए, और जो ट्रिपल एच की टीम रैंडी ऑर्टन के साथ भी थी इवोल्यूशन, ऑर्टन आते के साथ आज आरकेओ आईसी टाइटल लेके जाना है क्या। पूरे मैच में अभी तक ट्रिपल एच को ये फर्स्ट फिनिशर लगा है, तो अच्छा हुआ यूज नहीं किया रेजिलेंस, सही है ट्रिपल एच। और सिग्नेचर भी आ गया ऑर्टन, 2-2 लेजेंड्स दिख रहे रिंग में, और लेजेंड किलर जब आ गए तो एक आधा एलिमिनेशन बनता है। अरे रे, कहीं लेजेंड किलर ही का एलिमिनेशन ना हो जाए। हार्ट ब्रेक किट का एक स्विच इन म्यूजिक, रेजिलेंस यूज मत कर लेना, ना ना ना, अभी ये फर्स्ट ही फिनिशर था। ट्रिपल एच आप स्टार्टिंग से खेल रहे हो तो थोड़ा ना पीछे पीछे रहो और बाकी दोनों को लड़ने देते तो ज्यादा सही रहता, अभी आप रुक ही जाते, थोड़ा ना AI को और ज्यादा क्लेवर होना होगा। पता है मैं चाहता हूँ कि 2K25 जब नेक्स्ट ईयर तक आए तो 2K AI को ऐसा कर दे कि जो बदमाश लोग हैं, जो हील सुपरस्टार हैं, वो दिमाग लगाएं और वो फाइट ही नहीं करें। जैसे 3-4 लोग का मैच है तो जो हील AI है वो मैच छोड़ के थोड़ा दूर भाग जाए ताकि 2 सुपरस्टार स्टार्टिंग में आपस में लड़े। 2K के लिए अब तो ये सब करना उतनी बड़ी बात नहीं है। याद है 2K20 के टाइम में मैं बोलता था कि रॉयल रंबल में कितना मजा आता अगर जो टैग टीम सुपरस्टार्स है वो एक दूसरे का साथ देते रॉयल रंबल में, और देखो 2K23 से ये सिस्टम आ गया ना। और अब तो आप लोग जान ही रहे हो कि AI क्या क्या कर सकता है, तो ये उतना बड़ा भी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है कि आ भी जाएगा। 5 नंबर पे जो रियल लाइफ में आईसी चैंपियन है सैमी ज़ेन, 5 नंबर ऐसे बुरा नहीं है, मतलब ठीक है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है अगर थोड़ा देर तक टिके रहे। रिंग के बाहर जाना अलाउड नहीं है, हाँ लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि रिंग के बाहर फेंक सकते हो आप क्लासिक DDT ऑर्टन की। ट्रिपल एच को एक सिग्नेचर एक फिनिशर अभी तक लग चुका है और दोनों ऑर्टन ही ने लगाया है। हेलुआ किक, जिसको मैं हलवा किक बोलता हूँ प्यार से, वो कनेक्ट नहीं हो पाया। रैंडी ऑर्टन के पास 2-2 फिनिशर, मस्त आरकेओ। सैमी ज़ेन रियल लाइफ आईसी चैंपियन, ट्रिपल एच की रेजिलेंस गई, सैमी ज़ेन बच गए, लेकिन आते के साथ एक फिनिशर लग जाना मैच के लिए अच्छा साइन नहीं है। करंट आईसी चैंपियन देख लो कैसे जीतना है,
वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस मैच में चैट गिबल को क्यों नहीं रखा। चैट गिबल को मैंने आगे के लिए बचा के रखा है। चैट को भी मैं मैच दूंगा ऐसी चैंपियनशिप के लिए, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। अब सारा ही रियल लाइफ का मैच थोड़ी करना है। रियल लाइफ चैंपियन तो डाल ही दिया है मैच में। मुझे तो बस यही याद आ रहा है कि लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन कैसा खेला है भाई, गुंथर कितना खराब खेला है। दो पेडिग्री, गेम ओवर उसका। छह नंबर सीधा कभी तो लास्ट में आओ, कभी आओ आठ नंबर पे, कितना अच्छा लगता। लास्ट में आते जीतने के ज्यादा चांस रहते हैं, लेकिन ठीक है, ये वाले सीना नॉर्मल सीना से अच्छे, भले इनको ओवरऑल 91 है, लेकिन सीना देखो ब्रॉक के पास भी एक टाइटल है, रोमन के पास तो दो दो टाइटल है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है सीना, एक टाइटल रख ही लो, पूरी खतरू टीम के पास एक एक चैंपियनशिप आ जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि सीना इस चीज को मुमकिन करेंगे क्या, एक ही आते के साथ, वाह वाह वाह, आते के साथ एक एलिमिनेशन, क्या बात क्या बात। पर हील जॉन सीना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हाँ सही टारगेट चुना है, ट्रिपल एच ऑलरेडी बहुत पिट चुके हैं, रेजिलेंस भी है नहीं गेम के पास, तो गेम का गेम बजाना आसान है। फिनिशर के बिना भी शायद पिनफॉल हो सकता है अगर सीना, अरे बाहर काय को फेंक दिया। सैमी ज़ेन से लड़ने की जरूरत थी नहीं, सैमी ज़ेन के पास सिग्नेचर है, ब्लू थंडर पावर बॉम्ब लगा सकता है, वो भी सीना ही को लगाएगा। ऐसे ऑटन भी पिट गए, सीना देखो छह नंबर भी बहुत अच्छा है, तो ऑटन को क्योंकि ये सेकंड फिनिशर लगा है तो रेजिलेंस तो जानी ही थी, हेड लाल हो रखा है भाई। ऑटन ट्रिपल एच दोनों खतरे में, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं, नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है ट्रिपल एच। वाह क्या काम कर रहे हो, देख रहे हो सात नंबर पे सेट चालू, रॉलिंस सात नंबर पे आए हैं भाई, आठ से बस एक पीछे जो आता है उसके भी जीतने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं पता है ना। लेकिन सेट के साथ दिक्कत ये कि इतनी भीड़ में वो जब भी स्टॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे आधा टाइम तो फेल ही हो जाएगा, देखते रहो। तो जान रहा था गलत उस साइड अगर दौड़ते तो शायद दे भी देते। तीनों स्टंड होते होते बचे और एक लास्ट सुपरस्टार आने वाला है, इन्हीं में से कोई एक क्राउन होगा। सीना का ये सेकंड एलिमिनेशन है अगर पिनफॉल हो गया तो, सीधा दो दो एलिमिनेशन, आप तो जीत ही जाना, आप जीत जाना दो एलिमिनेशन, मजाक कर रहे हो क्या, तीसरा एलिमिनेशन नहीं नहीं नहीं, सेट को तो ये पहला फिनिशर है, तो चलो वो भी रिवर्स ही कर दिया। ठीक है सीना, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, दो एलिमिनेशन कर दिए बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट वाले एलिमिनेशन करोगे ना वो मैटर करता है। पता चला चार पांच एलिमिनेशन करे और लास्ट में ही झोल हो गया, सीना ऑलमोस्ट स्टंड होते होते बच रहे, अरे सैमी फिर बच गए, लेकिन कितना रिवर्स करेंगे, बैक टू बैक दो रिवर्सल ऑलरेडी कर दिया था सेट पूरे मैच में भाई, लगता नहीं है कि सेट ओके, सेट का टाटा सेकंड फिनिशर है सेट को, और फाइनल सुपरस्टार भी आने वाले हैं। सेट का टाटा दो ही फिनिशर में हो गया आज, सेट और गुंथर के साथ गलती हुआ एक तरह से बोल सकते हो, दो दो फिनिशर में टाटा हुआ है। फाइनल सुपरस्टार, और अगर देखा जाए तो इस मैच में सही में अल्टीमेट अंडरडॉग रे मिस्टीरियो आ रहे हैं। सीना दो एलिमिनेशन ऑलरेडी कर चुके हो, तीसरे के बारे में क्या ख्याल है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, ट्रिपल एस से भिड़ो ना, सैमी ज़ेन को मारने की जरूरत नहीं, सैमी ज़ेन को लास्ट में रखना, सैमी ज़ेन से अभी भिड़ने की, अरे स्पाइन बस्टर मेरे को लग ही रहा था, ट्रिपल एच दौड़ा के देते हैं स्पाइन बस्टर, और कभी कभी दौड़ा के पेडिग्री भी देते हैं। सीना रेजिलेंस वो थी नहीं, मतलब रेजिलेंस मीटर नहीं था, पर अब आ गया है। सबके पास फिनिशर इस मैच में सीना को छोड़ के, रे के पास तो दो दो फिनिशर है, सबसे लास्ट में आए। ऐसे सीना की भी हेल्थ अच्छी है, हेड सिर्फ येल्लो ही हुआ है, तो सीना भी टिके रह सके। अरे बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी, रॉ रंबल थोड़ी है, रॉ रंबल होता तो ये सीना का एक और एलिमिनेशन, लेकिन नहीं जी, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, ट्रिपल एच ने मैच को स्टार्ट किया था और फाइनल फोर तक पहुंच गए, रे के साथ डबल टीम अप हो रहा है, बेचारे अल्टीमेट अंडरडॉग के साथ गलत कर रहे हो सीना, हील टर्न क्या कर गए, फिर सुपरस्टार लोग के साथ ऐसा करोगे, एक नया सिस्टम निकला, लास्ट में ये लोग फंसा के पिनफॉल करने लगते हैं। ट्रिपल एच रेजिलेंस है नहीं गए, रेजिलेंस जाने के बाद टाटा हो सकता है। और इधर आई थिंक सीना को हेलुआ किक लगाया सैमी ने, सीना की रेजिलेंस इसके बाद भी नहीं गई। सैमी को कोई एलिमिनेट करो भाई, सैमी लपेट लेगा और रियल लाइफ की तरह गेम में भी ये आईसी चैंपियन बन जाएगा ऐसा लग रहा है फिलहाल। सीना अंत के इतने करीब हो, फाइनल तीन तक पहुंच गए हो, अब तो जीत ही जाना। सीना जाने तो, अरे वो जा रहा था हेलुआ किक लगाने, उड़ता तीर सीना ने पता नहीं क्यों लिया, अब जब ले ही लिया तो एलिमिनेट कर ही देना। हेलुआ किक एक और, अरे रे रे रे, जान बूझ के उड़ता तीर लिया है सीना ने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये दो हेलुआ किक लग चुका है, यानी कि सीना को एक और फिनिशर या सिग्नेचर, गेम ओवर सीना का। ऐसे सैमी ज़ेन भी पिटे ही हैं, यानी कि सीना को सिर्फ और सिर्फ रे को संभालना है, अगर रे को किसी तरह संभाल लिया तो बाजी अभी भी मारी जा सकती है। सीना पहले तो सैमी ज़ेन को, अरे सैमी क्या कर रहा है भाई, पिनफॉल थोड़ी होगा, वन तक नहीं हुआ, सीना किसी तरह लपेटो, बहुत बढ़िया। सैमी ज़ेन का टाटा फाइनल टू में पहुंच गए, अब तो भाई चैंपियनशिप खतरू टीम के पास आ रही है, दो लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी है, रोमन ब्रॉक
सीना के पास भी आने वाली है ऐसा लग रहा है। फाइनल टू में पहुंच गए भी, आज तीन तीन एलिमिनेशन किया। अगर ये एलिमिनेशन कर दिया तो आधे मैच के एलिमिनेशन तो सीना ही ने कर दिया। एट सुपरस्टार के मैच में चार एलिमिनेशन सीना का होगा, पिनफॉल मत करवा लेना, ना ना ना। रेजिलेंस तक यूज नहीं करी सीना, बस बने रहो इसी तरह। रे के पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है भाई, ये दिक्कत लग रही है मेरे को। रे क्या सिग्नेचर है ये? पता नहीं, लग तो रहा है कि शायद सिग्नेचर ही है। सीना एलिमिनेट, अल्टीमेट अंडरडॉग रे मिस्टेरियो आईसी चैंपियन बन गया है। कांग्रेचुलेशन, सीना बन जाते तो और अच्छा लगता, लेकिन ठीक है चलो। अरे वाह, ये तो मैंने मतलब देखा ही नहीं था, रे मिस्टेरियो का टाइटल सेलिब्रेशन ओरिजिनल डाल दिया है 2K ने। वाह मतलब चलो अच्छा ही हुआ रे जीत गए, ओरिजिनल टाइटल सेलिब्रेशन है, सही है। तो फेल आर्मी में आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक और टाइटल बच गया, हार्डकोर चैंपियनशिप, और ये ऐसा टाइटल है ना, इसके लिए रॉ और स्मैकडाउन दोनों के सुपरस्टार्स फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके सारे सुपरस्टार्स का नाम बोलो जिसको आप ये हार्डकोर चैंपियनशिप में देखना चाहते हो, और कल फाइनली रिवील हो जाएंगे सारे चैंपियंस जो अभी तक बने। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे कल की वीडियो में, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। टाटा।